بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. जी, पिछले लेक्चर में हमने इस्म तफसील की तारीफ, उसको बनाने का तरीका और उसकी गिरदाने, इस हवाले से हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले जरताशा खान, आप बताइए इसमें तफजील किसको कहते हैं और इसके बनाने का क्या तरीका है? जी उस्ताद, ये वो इस मुश्तक होता है जो ये बताता है कि एक से या दो से ज़्यादा अशिया में जो कॉमन होती है, मुश्तक पाई जाती है, जी और लेकिन इनमें से जो एक चीज़ होती है उस सिफ में वो दूसरी वाली से बढ़कर होती है। जी और इसके बनाने का तरीका ये है कि जो मुजक्कर का सीगा है वो इसकी अकबर मिसाल की क्या वजह है? बनाती मिसाल है। दे। मिसाल मिसाल जैसे होगी, जैदुन आलमु मिन बकरी, जैद बकर से बढ़कर आलिम है। ठीक और है, बनाने का तरीका ये होगा कि जो मुजक्कर का सीगा है वो अफअल के वजन पर आएगा, और मुअन्नस का सीगा जो है वो फुअला के वजन पर आएगा, और ये सलासी मुजर्रद भी आता है। ठीक है। और इसकी मुजक्कर की किरदार सुना दें। मुजक्कर की गजल, अंसरु अंसरानी अंसरूना अनासिरु उनैसी उनैसिरु। उन्नीस सिरुन, आखिरी जो सीगा है ना उसमें तनवीन आ जाएगी, उन्नीस सिरुन। जी, उन्नीस सिरुन और मुअन्नस की मुअन्नस की नुसरा नुसरा यानी नुसरयातुन नुसरुन नुसैरा। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे हैं हमना जिया, आप भी यही इसकी तारीफ, बनाने का तरीका और गिरदाने। वो इसम मुश्तक है जिसमें जो जिसमें दो या दो से ज्यादा अशिया में एक सिफत मुश्तरक तौर पर पाई जाती है, और उनमें से एक शय दूसरी शय के मुकाबले में उस सिफत में बढ़कर होती है। मिसाल के तौर पर जैदुन आलम बिन बकरी, जैद बकर से बढ़कर आलम है। इसके बनाने का तरीका, मुजक्कर में मुजक्कर जो है वो अफअलु के वजन पर आता है, और जो मोनस है फूला के वजन पर आता है। ये मिसाल ये सलासी मुजरद होता है, इससे ज्यादा हरूफ इसमें नहीं होता। ठीक है, तो आलिमा या आलम उसे इसके किरदार सुना दें। आलमु आलिमा आलिमानी आलमूना दोबारा दोबारा, आ आलम तो सुनिएगा, आल सीधा कैसे आएगा? आलमु आला अल आलमानी जी आलमून ठीक है, आ आ आ आलिमु आ आ आई लिमुन ओ आई आ लिमुन, ओ ओ आई ओ लिमुन। आई लिमुन आ उल्मा उल्मा यानी उल्मयातुन उलमुन उलमुन उलेमा उलेमा। चले माशाल्लाह जी, आगे हैं हुज़ैफ़ा वहीद। जी हुज़ैफ़ा वहीद मौजूद है, हमदेद इकबाल। जी सलाम अलैकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप भी इसकी तारीफ, बनाने का कायदा और गिरदाने टोटल सुना दें पुराने से। जी इसमें तफजील वो इसमें मुश्तक है जो अगर दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर कोई सिफ्त पाई जाती है तो उसमें जिसके अंदर दूसरे की निस्बत वो सिफ्त ज्यादा होती है तो उसको हम तफजील कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, या इन्नी आलमु गैबुस्समावाति वल अर्द। और इसमें जो मुजक्कर का वजन है वो अफअलु है और जो मोनस का है वो फुअला है। इसकी अगर इसमें मुजक्कर के पांच सीगे हैं, मोनस के भी पांच सीगे हैं, एक वाहिद का, तस्निया का, जमा मुजक्कर सालम और जमा मुकस्सर और तस्गीर, इसी तरह मोनस के अंदर भी है। इसकी जो गर्दान है अफअलु अफअलान अफअलूना और अफाइलु और फुआइलुन, और उसके बाद फाई फुआला इलुन, फुआइलुन और फाई नहीं, फुआल उफाई उफाई इलुन। उफाइलुन उफाइलुन और फुआला मोनस में है और फुआला यान है, फुआला यातुन और उसमें फुआलुन और फुआइलुन। फुआलुन व फुआइला,
अगर इसको जारा बा फॉल से लाना हो तो जारा बा से कैसे लेके आएंगे? जरा अदरबु अदरबु अदराबाने अदराबोना और अदारिबु और उदयीर उदयीरिबुन उदयीरिबुन ठीक है, और और मुन्नस का मुअन्नस में फुआला जोरबा, दुरा जोरबा जोरबयानी, दुरबायातुन और दुबईरुन जोराबुन व दुराबुन जोरईबा। वो वजन है ना फोआलन, तो उसका बन जाएगा जोराबुन, और फुआइला जोरईबा, जोराबुन व जोरईबा। ठीक। चले जी, ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी आगे हुजैफा वहीद। जी सर, जी आप भी इसकी तारीफ सुनाइए, इसमें तफजील की और बनाने का कायदा। सर ये वो इसमें मुश्तक है जिसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। शेख ये वो इसमें इसमें मुश्तक है जो अजी एक फैसल मजीद किसी साहब, चलें आप जर्नी सुना सर दें। चले आप सुना रहे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज वालेकुम नहीं आ रही सलाम सर। वरहमतुल्लाह। इसमें तफजील वो इसमें मुश्तक है जो दो चीजों के दरमियान या दो अशखास के दरमियान किसी सिफ्त की वजह से उसको फजीलत दी जाए, उसको इसमें तफजील कहते हैं। जी तो जैसे मतलब जो ना, जैद उन आलिम उन मिन बकरिन, जईदुन जैद आलिम से। जी सर, क्या मिसाल दी आपने? जईदुन आलिमुन मिन बकरिन। आलिम नहीं है, आलम। जईदुन आलम मिन बकरिन, जैद बकर से बड़ा आलिम है। जी, जईदुन आलिमुन मिन बकरिन, जैद बकर से बड़ा आलिम है। तो जी इसका बनाने का तरीका है कि ये सिर्फ सलासी मुजरद से बनता है, यानी कि तीन हिस्से सिर्फ इसमें इस फेर में आते हैं और उसके अलावा नहीं होते, जबकि दूसरे में इसमें जो मफूल और फाइल थे उनमें उनके अलावा, सलासी मुजरद के अलावा भी थे, इसमें वो नहीं आते। और इसके सीगा मुजक्कर अफअलु के वजन पे आता है, और जो मुअन्नस है वो फुअला के वजन के ऊपर आता है। जी ठीक है, तो कैसी हुआ? अगर ये जी जाला मैया जलीमू से बनाना हो तो कैसे बनेगा? जलामा यजलिमु से जी मुज़क्कर के सीगे जलामा कैसे बनेंगे यजलिमु और मुअन्नस के कैसे बनेंगे? अजलमु अजलमु अजलमानी अजलमूना अजामिलु उजैमिलु उजैमिलुन उजैमिलुन। आगे फुअला वाले से मतलब जाना बनेंगे जुल्मा 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 यानी जुल्मा यातुन जुलमा जुलमुन जुलेमा सुलेमा। चले ठीक है जुलेमा। माशाल्लाह। जी आगे निदा रशीद। हाँ जी निदा रशीद मौजूद है? जी मुना नईम आप सुना दें, इसमें तफजील की तारीफ बनाने का कायदा और गिरदान। जी सर, ये इसम जो तफजील है ये वो इसम मुश्तक होता है जो उस सिफ्त के बारे में बताता है जो सिर्फ दो या दो से ज्यादा अफराद में पाई जाए और उसमें से उनके अंदर मतलब ये कॉमन हो सिफ्त, और लेकिन एक में जो है वो दूसरे से बढ़कर हो। जैसे जैदु आलम मिन बकरीन, तो जैद जो है वो बकर से बड़ा आलिम है। और इसका जो बनाने का तरीका है ये सलासी मुजर्रद से बनता है और अफालू के वजन पर आता है। मुजक्कर का सीगा और मोनस का सीगा जो है वो फोला के वजन पर आता है। और इसके जो इसमें सीगे हैं उसमें अगर हम कहें इसे सर किसे सुना दूं? आप सादा का यस देखो उसे सुना सादा का यस्तिकु और होगा अस्तकु अस्तकानी अस्तकूना उसादिकु उसैदिकु सुद का दे। यान कुन उसैदी कुन जब सॉरी सुद तस्गीर का। बनाएंगे ना तो उस वक्त तनवीन आ जाएगी। जी सर, सुद का यानी सुद का यातुन सुदा कुन और सुदई का। सुधाई का चले माशाल्लाह। जी आ गए हैं रुकैया रुकैया जहीज। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी आप इसमें तफसील की तारीफ, उसको बनाने का तरीका और जमा यजमा उसे गिरदान सुनाएं।
जी इसमें तफजील जो है वो इसमें तफजील वो इसमें मुश्तरक है जो एक सिर्फ दो या दो से ज्यादा अशिया में मुश्तरक तौर पर पाई जाए, लेकिन एक में जो है वो दूसरे के मुकाबले में ज्यादा हो, जैसे कि है कि जैदुन आलम मिन बकर, कि जैद जो है वो बकर से ज्यादा इल्म रखता है। और सर कैसे बनानी है किरदार? जमा यजमो जमा यजमो अजमो अजमाऊ अजमाऊ होगा अजमाऊ। ठीक अजमाऊ अजमाआनी जी सर मैं बनाती हूँ। अजमाऊ अजमाऊ अजमानी अजमाऊना अजामियो अजी अजीम जम जमा आई नी नी मोनस में गलत जमा यानी जमा या तू जमा जमा ये जमा या जामियो उजैमी उन। चले ठीक है माशाल्लाह जी। और कौन रह गए हैं जिसने सबक नहीं सुनाया? अतीक अब्दुल सबूर। जी सर हाँ, आप भी इसम तफजील की तारीफ बनाने का कायदा और फाकुहा यफ कहू इससे गिरदान सुनाए। इसमें तफसील वो इसमें मुश्तक है जो ये बताए कि एक सिफ्त दो या दो से ज्यादा अशिया में मुश्तरक तौर पर पाई जाती हो लेकिन उनमें से एक शय उस सिफ्त में दूसरी शय से बढ़कर हो, सही जैसे जैदुन आलमु मिन बकरिन, जैद बकर से बढ़कर आलिम है। और इसके बनाने का तरीका यह है कि ये अफ़आलु के वजन पर बनता है मुज़क्कर में और मुअन्नस में बनता है फ़ोइला के वजन पर, और ये हमेशा तीन हरफी अफ़आल में सलासी मुजरद में बनता है। ठीक है। तो गिरदान किससे बनानी थी? आप अफकहू से इसकी गिरदान सुना दें। अफकहू अफकहाने अफकहूना अफाकिहू जी उफैकिहुन फुकहा ठीक है। फुकहा याने फुकहा यातुन फुकहुन फुकई हुन नहीं कई हाँ फुकई हा चले माशाल्लाह ठीक है फुकई हा जी। जी शाहिद अहमद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला जी। आप भी सुनाइए। सर इसमें तफजील वो इसमें मुश्तक होता है जो ये बताए कि जब एक सिर्फ दो या दो से ज्यादा अशिया मुश्तरक हो लेकिन एक शय में वो सिर्फ दूसरी से बढ़कर हो, जैसे जैदुन आलमु मिन बकरिन। और सर इसके बनाने का तरीका ये है कि ये मुजक्कर के लिए अफअलु के वजन पर बनता है और मुअन्नस के लिए फौला के वजन पर बनता है, और ये सर सलासी मुजरद के लिए होता है और मजीद फी के लिए नहीं बनता, सिर्फ सलासी मुजरद का ही बनता तो आप इसकी गासलून गासला या गसिल उसे गिरदान सुना दें। है। सर इसका आएगा अक्सलु अक्सलाने अक्सलूना अगासिलु उगैसिलुन, और सर मोनस में आएगा गुस्ला गुस्ला यानी गुस्ला यातुन गुसल गुसलुन गुसैला। ठीक है माशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया है। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और अमल में बरकत फरमाए। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा मिड टर्म जो है वो करीब करीब है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। और आज मैंने आपका जो क्विज नंबर 3 है वो भी अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज 5 बजे से लेकर 27 मई रात 12 बजे तक आप उसको हल कर सकते हैं। तो अगर क्विज के हवाले से कुछ चीज़ पूछने वाली है तो आप पूछ लें, वरना हम अभी आगे
जो लेसन है वो पढ़ते हैं। जी जरताशाह खान। जी उस्ताद, मैंने क्विज के बारे से तो नहीं पूछना, मिड टर्म के बारे से पूछना है कि जी हमारा सिलेबस जो लास्ट वीक तक होगा या जो आज भी हम पढ़ेंगे, किस वीक में भी पढ़ेंगे, वो भी इंक्लूड होगा? शुरू से लेकर मिड टर्म तक जितना पढ़ा जाएगा वो सारे का सारा होगा। जी ठीक ये है। मैसेज वो कर दिया गया है ग्रुपों के अंदर, जो है इंतजामिया की तरफ से मैसेज हो चुका है कि शुरू से लेकर अगला भी जो हमने पढ़ना है अभी तक, इस हफ्ते का, इस वीक का भी साथ ही शामिल होगा। ठीक है शेख साहब, ये ठीक जो क्विज आपने अपलोड किया, इसके भी किन चैप्टर्स में से आएगा, ये किन हाँ, चैप्टर में ये से? चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 से, यानी जिसमें अस्माए मुश्तका, इसम फाइल, इसम मफूल और इसमें तफजील, ये जो 4 चैप्टर हमने अभी पढ़े हैं इनमें से, क्योंकि पिछला हमारा जो है ना वो 9 नंबर चैप्टर तक था। और ये शेख साहब जो मिड टर्म है, ये इसी तरह आप सुनेंगे जिस तरह आ, आ, सुन रहे नहीं हैं जी, मिड आजकल? टर्म उसमें वायवा होता है और वायवा के अंदर जुबानी चंद एक सवालात किए जाते हैं, फिर उसमें ये शर्त होती है कि कैमरा ओपन रहेगा। आप लोगों का चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है इसलिए आपको नहीं मालूम, तो वाइवा का मकसद ये होता है कि आदमी को सोचने का कम से कम मौका मिले, यानी अगर एक बंदे ने अच्छी तैयारी की हुई है तो वो वाइवा के अंदर सवाल का जवाब दे पाता है, और अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो फिर उसके लिए मुश्किल होता है। रिटर्न में आदमी को सोचने का मौका मिल जाता है, आदमी इधर उधर देख सकता है, तो वाइवा बराह रास्त, ये 20 नंबर का वाइवा मिड टर्म में है और 20 नंबर का वाइवा ही फाइनल टर्म में होगा इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। 7 अस्माए मुश्तका में से 3 अस्मा की तफसीलात हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक इसम फाइल है, दूसरा इसम मफूल है और तीसरा इसम तफजील है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इसमें जर्फ, इसमें जर्फ। तो जर्फ से मुराद जगह या वक्त, ये दो चीजें होती हैं, या तो काम की जगह या फिर काम का वक्त, इन दोनों चीजों पर जो इसम दलालत करे उसको इसमें जर्फ कहते हैं। यानी इसमें जर्फ वो इसमें मुश्तक है जो उस जगह या वक्त पर दलालत करे जिस जगह या वक्त में फेल वाके हुआ है। जैसे हम कहते हैं मलअब, खेलने की जगह या खेलने का वक्त, तो मलअब ये मैदान को, खेलने के मैदान को, खेल के मैदान को भी कहा जाता है और खेल के वक्त को भी कहा जाता है। इस तरह हम कहते हैं मस्जिद, सजदा करने की जगह और सजदा करने का वक्त। तो मस्जिद चूंकि सजदा गाह होती है, वहां पर सजदे किए जाते हैं, इसलिए उसको मस्जिद का नाम दे दिया गया। तो इसमें जर्फ जो है, अगर तो ये सुलासी मुजर्रद से आए तो उसके दो वजन है, एक मफ़ाल है और एक मफ़ाइल है। आप इन दोनों में से किसी भी वजन पर इसमें जर्फ की गिरदान जो है वो बना सकते हैं, मफ़ाल या मफ़ाइल। और दूसरा है गैर सुलासी मुजर्रद, तो गैर सुलासी मुजर्रद का इसमें जर्फ बिल्कुल उसी तरह बनेगा जिस तरह इसमें मफूल हम बनाते हैं, यानी वो फेल मुजारे से इस तरह बनाएंगे कि अलामते मुजारे को गिराकर उसकी जगह पर मीम मजमूम लगा देंगे, और उसके बाद फिर आखिरी हरफ से पहले हरफ का पर जबर लगा देंगे, तो वो बन जाएगा इसमें जर्फ। जैसे युक्रिमु से मुक्रमुन, या यक्तसिबु से मुक्तसब, यानी इसमें मफूल और इसमें जर्फ का सिगा एक ही होगा, बाकी उसके
इसमें ज़र्फ़ या इसमें मफ़ूल होने में सियाक व सवाक से फ़र्क किया जाएगा कि यहाँ पर ये इसम मफ़ूल है या इसमें ज़र्फ़ है। जी तो किताब पर देखें, इसमें ज़र्फ़ से मुराद वो इसम मुश्तक है जो उस जगह या वक़्त पर दलालत करे, यानी दो चीज़ें हैं, जगह पर दलालत करे या वक़्त पर दलालत करे, और ये दोनों पर ही दलालत करता है, उस जगह या वक़्त पर दलालत करे जिसमें फेल वाक़ हो, जिसमें फेल वाक़ हो, जैसे मलअब, मलअब खेलने की जगह या खेलने का वक़्त। मलअब जो है वो खेलने की जगह को भी कहते हैं और खेलने के वक़्त को भी कहते हैं। अब इसके बनाने का तरीका ये है कि ये तीन हरफी सुलासी मुजरद अफ़ाल के मस्दर को मफ़ालुन या मफ़ेलुन के वजन पर लाने से बनता है, जैसे नसरुन से मनसरुन, मदद करने की जगह या मदद करने का वक़्त, और ज़रबुन से मज़रिबुन, मारने की जगह या मारने का वक़्त। तो ये वजन तो उस वक्त है जब सुलासी मुजर्रद हो, लेकिन जब फेल गैर सुलासी मुजर्रद हो यानी तीन हरफों से जायद हो, तो जो अफाल तीन हरफों से जायद हों उनसे इसमें ज़र्फ़ इस तरह बनता है कि अलामत मुजारे को गिराकर उसकी जगह मीम मजमूम लगा दें, और आयने कलमा को फतह दे दें, और आखिरी हरफ को तनवीन दे दें, जैसे युक्रमु से मुक्रमुन, इकराम करने की जगह या इकराम करने का वक़्त, इज्जत करने की जगह या इज्जत करने का वक़्त। तो सुलासी मुजर्रद से जो सीगे आते हैं वो मफालुन या मफेलुन, इन दो वजन पर आते हैं, और उनकी फिर आगे तस्निया जमा और तस्गीर भी आती है। तो मनसरुन, मनसरानी, मनासिरु, मुनैसिरुन, यानी मफालुन, मफालानी, मफाइलु, मुफैलुन। तो मनसरुन मदद करने की एक जगह या एक वक्त, मनसरानी मदद करने की दो जगह या दो वक्त, मनासिरु मदद करने की कई जगह या कई वक्त, और मुनैसिरुन मदद करने की एक छोटी सी जगह या थोड़ा सा वक्त। तो इसको आप मफाल के वजन पर भी ला सकते हैं और मफेल के वजन पर भी ला सकते हैं, जैसे मजलिसुन, बैठने की एक जगह या एक वक्त, और मजलिसानी, बैठने की दो जगह या दो वक्त, मजालिसु, बैठने की कई जगह या कई वक्त, और मुजैलिसुन, बैठने की एक छोटी जगह या एक छोटा वक्त। तो इसमें अगर आयन कलमा, मुजारे का आयन कलमा अगर मकसूर होगा तो इसमें ज़र्फ़ जो है वो भी मकसूर आएगा, जैसे यजलिसु से मजलिसुन, यानी मफेल के वजन पर आएगा, मजलिसुन, मजलिसानी, मजालिसु, मुजलिसु। और अगर आयन कलमा मफतू या मजमूम होगा तो फिर मफाल के वजन पर आएगा, जैसे मनसरुन, मनसरानी, मनासिरु, मुनैसिरु, मनसरुन, मनसरानी, मनासिरु, मुनैसिरु। तो ये वो गिरदान है जो सुलासी मुजर्रद से है, और अगर सुलासी मुजर्रद से जायद हो तो फिर वो बिल्कुल इसम मफूल के वजन पर आएगा, जैसे युक्रमु से मुक्रमुन, मुक्रमुन, मुक्रमानी, मुक्रमूना, मकारिमु, मुकैदिमुन, मुक्रमतुन, मुक्रमतानी, मुक्रमत, मुक्रमातुन। और उसके बाद फिर आगे सवालात हैं, तदरीबात हैं जो इसमें ज़र्फ़ से ही मुताल्लिक हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ मा मिसाल बयान करें। तो इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ ये है कि वो इसम मुश्तक जो काम
वाक्य होने की जगह या वक्त पर दलालत करे, जैसे मलअब या मस्जिद। इसमें जरफ सुलासी मुजर्रद से किन औजान पर आता है? तो सुलासी मुजर्रद से इसके दो औजान हैं, मफ़ालुन और मफ़ेलुन। जबकि गैर सुलासी मुजर्रद उसमें यह है कि इसमें जरफ बनाने का तरीका कि अलामते मुजारे को गिराकर उसकी जगह पर मीम मजमूम लगाएंगे, ऐन कलमा को फतह दे देंगे और आखिर में तनवीन दे देंगे, जैसे युक करीमों से मुकरम। पढ़े गए कवायद की मदद से नमूने के मुताबिक दर्ज ज़ैल कलिमात से इसमें ज़र्फ़ बनाएं, यानी जो हमने कायदा पढ़ा है उसके मुताबिक ये जो कलिमात दिए गए हैं नमूने के तौर पर उन्होंने एक कलमा का इसमें ज़र्फ़ हमें बनाकर दे दिया है, जबकि बाकी पांच कलिमात दिए हैं उनका इसमें ज़र्फ़ आपने खुद बनाना है। उनमें सबसे पहला लफ्ज़ है दुखूलुन, दाखला यदखुलु से दुखूलुन। दुखूलुन का मन है दाखिल होना, और इससे इसमें जर्फ जो है दाखला यदखुलु से आएगा मदखलुन। तो मदखल का माना होगा दाखिल होने की जगह या वक़्त, दाखिल होने की जगह या वक़्त। इसी से वो खारज या खुरुज आता है, खुरुजुन, तो निकलने की जगह या वक्त, वो उसका माना होगा मखरज, मखरजुन। उसके बाद दूसरा कलमा है नशरुन, नशरुन का माना है चीरना, तो इसमें जरफ इसका होगा मनशरुन, चीरने की जगह या चीरने का वक्त, बफाल के वजन पर मनशरुन। तीसरा कलमा है रुकूबुन, राकिबा यरकबु से रुकूबुन, सवार होना, तो इससे आएगा मरकबुन, सवार होने की जगह या सवार होने का वक्त। फिर अगला कलमा है लाएबुन, खेलना, तो इसका इसमें जरा बनेगा मलअबुन, मलअबुन, मलअबानी, मलाइब व मुलैइबुन, या मलाबुन, मलाबानी, मलाइब, मुलैइबुन, खेलने की एक जगह या एक वक्त। फिर उसके बाद उन्होंने सुलासी मजीद फी के दो कलिमात दे दिए हैं जो सुलासी मुजर्रद से जायद हैं, जैसे यस्तखरिजु। तो इनका कायदा हमने ये पढ़ा था कि अलामते मुजारे को गिराकर उसकी जगह पर मीम मजमूम लगाते हैं, जैसे इसम मफूल बनाया जाता है, बिल्कुल इसका कायदा वही है। और आखिर से पहला हर्फ जो है उसको जबर दे देते हैं तो वो इसमें जर्फ बन जाता है, जैसे यस्तखरिजु से मुस्तखरजुन, यस्तखरिजु से मुस्तखरजुन। इसी तरह यक्तसिबु से मुक्तसबो, या अलामत मुजारे को गिराकर मीम मजमूम लगाई और आखिरी हरफ से पहले हरफ को आपने जबर दे दी, तो यक्तसिबु उसे बन जाएगा मुक्तसबो। तो आज का हमारा लेसन यही है जिसमें हमने इसमें जरफ की तारीफ पढ़ी कि इसमें जरफ से मुराद वो इसमें मुश्तक है जो वक्त या जगह पर दलालत करे जिसमें फेल वाक्या हुआ है, जो उस वक्त या जगह पर दलालत करे जिसमें फेल वाक्या हुआ है, और उसको बनाने का तरीका सुलासी मुजर्रद फेल से इसमें ज़र्फ़ मफ़ालुन और मफ़ेलुन के वजन पर आएगा, जबकि सुलासी मुजर्रद से जायद हरूफ वाले फेल में इसको बनाने का तरीका ये है कि अलामत मुजारे को गिरा कर उसकी जगह पे मीम मजमूम लगा देते हैं और आखिरी हरफ से पहले हरफ के ऊपर जबर दे देते हैं और आखिर में तनवीन बढ़ा देते हैं, जैसे युक्रमु से मुक्रमुन और यक्तसिबु से मुक्तसबुन, और इसी तरह यजतनिबु से मुजतनबुन, यस्तखरिजु मुस्तखरजुन,
यनसरिफ उसे मुनसरफ और युसल्लिम उसे मुसल्लम। बिल्कुल वो जो है इस मफूल वाला कायदा ही लग जाएगा। उसके बाद फिर इसकी गिरदान है मफालुन के वजन पर मनसरुन मनसरानी मनासिरु मुनैसिरुन और मफएलुन के वजन पर है मजलिसुन मजलिसानी मजालिसु मुजैलिसुन। और आखिर में जाकर चंद एक सवालात हैं जिनको हम हल कर चुके हैं और फिर आखिर में चंद एक कलिमात दिए हैं जिनका इसमें ज़र्फ़ बनाना मकसूद है। जी तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इंशाल्लाह इसमें आला पढ़ लेंगे।